तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे न्यू ब्लॉग में फिर से। तो आज हम आए अपने FZ को ठीक कराने के लिए। देख रहे हैं इसका मोटर ख़राब हो गया था, बहुत परेशान हो गए थे हम। तो अभी आए हैं गैरेज पे, तो मोटर लेके आए हैं और मोटर मिला है 1500 में। ऐसे FZ की एजेंसी में जाते तो कम से कम 3000-4000 रुपये लगता। तो ये भैया जो ठीक कर रहे थे वो बोले कि जाके अपना ले आओ, जान पहचान का दुकान था उनका, तो उनके यहाँ चले गए। तो वहाँ से लेके आए मोटर, 1500 का पड़ा है। उसको देखते हैं, बताते हैं आपको क्या ख़राब हो गया था। ये देख रहे हैं आप, ये मोटर, यही मोटर ख़राब हो गया था मेन, जिसे तेल सप्लाई नहीं हो रहा था उसकी वजह से पूरा गाड़ी ख़राब हो गया। देखिए पूरा गाड़ी मेरा फुल के रेडी हो रखा है। तो अभी देखते हैं बनने में कितना टाइम लगेगा। भैया बोले वैसे कि अभी 1 से 2 घंटा लग जाएगा। फिलहाल मेरा गाड़ी देखिए पूरा खुल गया है। यही मोटर चेंज होगा और ये इसमें का लीवर जो मैंने बोला है टूट गया है, तो ये लीवर चेंज होगा उसका। और हैंडल ढंग से मुड़ नहीं रहा है, तो ये हैंडल का बॉल लगेगा उसमें। तो बॉल लेके आए हैं, वो लगाए हैं। ये देखिए ये रहा बॉल, ये लाए थे, ये आपको 350-400 में मिल जाएगा। तो ये लीवर रखा हुआ है पूरा बढ़िया से। और मेरी गाड़ी का नाम महाकाल है और ये मेरा लाइफ का पहला गाड़ी है, इसको भी ठीक करवाना है। बहुत दिन से पड़ा हुआ था, कुछ प्रॉब्लम था उसकी वजह से ठीक नहीं करा रहे थे। तो अभी फाइनली सब कुछ ओके हो गया है। तो अब देखते हैं टाइम कितना लगता है बनने में। आते भैया, देखते कैसे बनाते हैं, सारा कुछ दिखाएंगे आपको। फाइनली 2 घंटा के बाद गाड़ी हमारा स्टार्ट हो गया, सारा कुछ, बस एक लीवर का काम बाकी है, बाकी सारा कुछ ओके हो गया गाड़ी। ब्लैक ब्लैक में रेड स्टिकर ले लीजिए ना, ब्लैक में रेड स्टिकर। तो फाइनली मेरा FZ पूरा ठीक हो गया और आप घर की तरफ जा रहे हैं। सुबह आए थे, शक्ल भी देख रहे हैं आप, एकदम पूरा डल हो गया है। तो चलो फाइनली पूरा गाड़ी ठीक हो गया। 2500 रुपया पूरा खर्चा लगा है, बाकी सारा कुछ सही है। अभी जाके थोड़ा तेल वेल भरा लेंगे और उससे फिर गाड़ी को बगल घर के बगल में सर्विस सेंटर है, धुलवा उलवा के सारा कुछ। बाकी महाकाल मेरा ओके हो गया। तो अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर करें, नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी जय हिंद, जय भारत।